अपने पंजाब दौरे को पूरा करके दिल्ली जा रहे आरएस के प्रमुख मोहन भागवत के लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित आरएसएस भवन ठहराव के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ अपनी कमीजें उतारकर 500 व 1000 रुपए के नोट लहराते हुए जमकर रोष मार्च निकाला व प्रदर्शन किया। हालांकि आरएसएस प्रमुख की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण यूथ कांग्रेसी ठहराव स्थल के आस पास भी नहीं पहुंच सके तथा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत से पहले युवा वर्करों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आरोप लगाया कि नोटबंदी के फैसले के पीछे आरएसएस का ही हाथ है। अपनी कमीजा ला के प्रोटेस्ट करने आए मोहन भागवत को जो कि आरएसएस का मुखी है, क्योंकि पूरे भारत वर्ष में चंगी तरह पता है कि इंडिया में आज की डेट च कोई बीजेपी की सरकार नहीं चला रही, आरएसएस की सरकार चला रही है। नरेंद्र मोदी जेड़ा के मोहन भागवत का एक प्यादा है वह हजे बेवकूफा वाले फैसले रह रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री शोभा नहीं देंगे। इस करके असं मोहन भागवत जी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असी कोई मेमोरेंडम नहीं देना इन्होंने, असी 1000 के नोट देने कि आही साडा मेमोरेंडम है, साडे तो चलते नहीं। बैंकों कैश है नहीं, गरीब के घरे राशन है नहीं, जिन्हों की कुड़ियों ने विह करे है उन्होंने इज्जत तो बना ही है। आना आवे मोदी सरकार इतने लोगों फाहे लैन पे, असि अज मोहन भागवत जी मिलकर जरूर 2000 के नोट देकर जाने, साडे कोल तो इन्ने सी आही देने भी आ भी रख लो। अज तुसी पूरे नंगा करता भारत वर्ष में साडी कमीजा लाती है, कोई और अजा नवा फैसला लै लो कि साडी पैंटा भी ना साडे ते रहना। असी बहुत शर्मिंदा वा कि सरकार ने साडे नाल बहुत धक्का किया। उद्योगपतियों नूं खुले आम पैसे मिल रहे हैं, 2000 लैण नूं जिहड़ा बंदा लाइन च खड़ा उन्हें 2000 नहीं मिलता, जिन्हों 2 लाख चाहिए उन्होंने उहदे दफ्तर पहुंचाई जांदे 10% कट के। यह गल नोट की जाए 10% मैनेजर आज का कट के भेज रहे, ये सबूत भी दो दिन तुम्हें मुहैया करा देंगे। कोई दसो अज तक कि अमीर बंदा तुम लाइना च लग्या देख लिया भी उन्होंने पैसे की लड़ है नहीं, नोट पैसे भी सारे नु है, पर जिन्हों घरे बैठे मिलता उन्हें लाइना च लग के की करना। लाइना तो आया लगते हैं, मेरे वर्गे लगते हैं, असी जे आम इंसान हाँ, असी जे आम जनता चो उठ के आम वर्ग की असी सोचते हैं, असी लगते हैं लाइना च क्यों लगते हैं।